हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक और हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही टॉप सीक्रेट चीज़ें बताने वाला हूँ जिनके पास पैसे नहीं है सिर्फ ये उनके लिए है ना। जिनके पास पैसे नहीं है सिर्फ उनके लिए, वह क्या है? फ्री कीवर्ड रिसर्च है ना। फ्री कीवर्ड रिसर्च टूल के बारे में बताने वाला हूँ, ठीक है। टूल के बारे में बता रहा हूँ, प्लस मैं आपको उसमें एक्सप्लेन भी करूँगा, प्लस मैं आपको दिखाऊँगा कि कैसे डिफरेंस होता है। और अगर आपने ये चीज़ें देखी है, अगर आपने ये लॉन्ग टेल कीवर्ड वाले वीडियो आपने देखे हैं, तो इस लॉन्ग टेल वाले कीवर्ड वीडियो आपने देखा है और इस वीडियो का आप देख लेंगे, तो आपको पेड एचआरएफ नहीं ख़रीदना पड़ेगा, एसईएम रस नहीं ख़रीदना पड़ेगा, इन सारे टूल को आप बाय नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं कुछ मेथड आपको बताऊंगा और कुछ अपना एक्सपीरियंस के साथ शेयर भी करूँगा कैसे आप इस तरह टूल फ्री टूल को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, आपका एक लाइक ही हमारे लिए बहुत कुछ है, ठीक है। और फ्रेंड्स, अगर आप कीवर्ड रिसर्च मार्केटिंग सीखना चाहते हैं या एफिलिएट ब्लॉगिंग के लिए आप कीवर्ड रिसर्च करना चाहते हैं, तो आप मुझसे सीख सकते हैं abhishekkumargautam9616@gmail.com पे। तो सबसे पहले जो नंबर वन पे जो हमारा टूल है, फ्री टूल है, ऊबर सजेस्ट फ्री टूल में नंबर वन पे मैं मानता हूँ, ठीक है। कीवर्ड प्लानर से बेहतर मैं ऊबर सजेस्ट को मानता हूँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही अच्छे से पता चल जाता है, ठीक है। और इस वीडियो में हम सिर्फ दो टूल का इस्तेमाल करेंगे और अपना अच्छा खासा कीवर्ड हम फाइंड करके और उसको हम रैंक कराना सीखेंगे, कैसे रैंक कराया जाता है इस बात का आप ध्यान दें। मैं आपको पूरी स्ट्रेटेजी बताऊँगा और फ्रेंड्स वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, बहुत ही अच्छे समझ में आएगा आपको। तो दूसरा जो टूल है कीवर्ड एवरीवेयर है, क्योंकि कीवर्ड एवरीवेयर को आप कहें इंस्टॉल फॉर क्रोम, क्रोम को यहाँ पर इंस्टॉल करें तो यहाँ पर आ जाएगा, एक्सटेंशन को इसको इंस्टॉल कर लेना है, तो इसे मैं बंद कर देता हूँ। ऊबर सजेस्ट को आपको इंस्टॉल करके रखना है, ऊबर सजेस्ट को आपको ओपन कर लेना है। अब आपको ध्यान क्या रखना है, आपको जिस भी टॉपिक है, ठीक है, आपका जो भी टॉपिक है, जैसे सपोज सब लोग शायरी वाली ज़्यादा प्रेफर सब बना रहे हैं, तो मैं यहाँ पर कुछ सर्च भी किया था शायरी, ठीक। यहाँ पर मैंने क्या किया, सर्च किया शायरी। अभी आप मेरी बात को ध्यान समझिएगा, ये है अपना मेन कीवर्ड, ठीक। अब इस कीवर्ड पे जो भी वेबसाइट है अगर रैंक है उसको हम डिसरैंक नहीं करा सकते, है ना। उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको हम अभी डिसरैंक नहीं करा सकते, क्योंकि हमारी न्यू वेबसाइट है तो हम डिसरैंक नहीं करा सकते माय डियर फ्रेंड्स। इस बात का अगर आपको ट्रैफिक लाना है तो इस कीवर्ड पर अगर आप काम करेंगे तो आप डिसरैंक क्या आप ट्रैफिक ला ही नहीं सकते किसी भी हाल में, जब तक आपके पास एसईओ का पूरा नॉलेज नहीं होगा, है ना। लिंक बिल्डिंग के बारे में जब तक आपको पकड़ नहीं होगी, अच्छी समझ नहीं होगी लिंक बिल्डिंग क्या होता है, तब तक आप इस तरह के कीवर्ड को रैंक करा ही नहीं सकते, ठीक। अब मैं आपको बताता हूँ और यही चीज़ मैं आपको यहाँ पर सर्च करके आपको दिखाता हूँ इसका वॉल्यूम कितना है। जैसे सारी मैंने सर्च किया और यहाँ पर मुझे इंडिया सेलेक्ट करना था, तो मैंने यहाँ पर यूएसए सेलेक्ट किया। अभी मैं इसको कंट्री को चेंज करके फिर मैं आपको अगला स्टेप बताता हूँ कि आपको करना क्या है। सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है, क्रोम में ये कीवर्ड एवरीवेयर को इंस्टॉल करना है। उसके बाद आपका जो कीवर्ड है वो आपको यहाँ पर सर्च करना है, मेन कीवर्ड होता है। जैसे ये शायरी हो गया है ना, शायरी हो गया। अब यहाँ पर आपको सबसे मेन कीवर्ड ये क्या है कि शायरी, फिर एटीट्यूड आता है, फिर दोस्ती आती है, फिर कलेक्शन आता है, फिर दिल लव आता है, फिर फनी आता है, फिर हिंदी फॉर गर्लफ्रेंड, है ना। तो मेन कीवर्ड हमारा शायरी, इस बात का आप बिल्कुल ध्यान रखें। अब यहाँ पर मैं पहले कंट्री चेंज कर देता हूँ, फिर मैं अगला, ये हमारा दूसरा स्टेप होगा। यहाँ पर ऊबर सजेस्ट में हम उसी कीवर्ड को, मेन कीवर्ड को सर्च करेंगे, ये हमारा दूसरा स्टेप होगा। अब यहाँ से मैं कंट्री चूज कर लेता हूँ पहले, और कंट्री को मैं इंडिया करता हूँ, फिर अगला स्टेप हम समझते हैं। जो स्टेप मैं बता रहा हूँ उसी स्टेप को फॉलो करेंगे तो 101% मैं 101% कह रहा हूँ कि फ्री में भी आप कीवर्ड को अच्छा खासा फाइंड कर सकते हैं। बाकी पेड टूल होते हैं वो आपको टाइम बचाते हैं और आपको जल्दी आपको वो चीज़ें आपको फाइंड करके दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे मैंने सर्च किया, तो यहाँ पर आप देखेंगे 183,000 का सर्च वॉल्यूम है, 66K का
इसकी जो डिफिकल्टी है, और जो कॉस्ट पर क्लिक होगा जो आपको सीपीसी मिलेगा, 3 रुपये लगभग मिलेगा, इंडियन करेंसी के हिसाब से 3 रुपये मिलेगा। अब आपको क्या ध्यान देना है, यहाँ पर सबसे पहले आपने मेन कीवर्ड को टाइप किया, उसके बाद सर्च किया, अब आना है आपको इधर, ये जो सारे कीवर्ड हैं आपको सबसे लॉन्ग टेल कीवर्ड लेना है, और लॉन्ग टेल कीवर्ड होना चाहिए इस वाले पार्ट से, है ना, इस वाले पार्ट से आपको लॉन्ग टेल कीवर्ड है, यानी ना कि इस वाले पार्ट से, इस वाले पार्ट में आपको नहीं जाना है ना। पीपल आल्सो सर्च, यहाँ पर तो सर्च कर रहे हैं, पर आपको सबसे पहले आपको कहना है, सबसे पहले आपको इस वाले पार्ट में जाना है, ठीक। तो हमारा जो पहला है यहाँ पर लॉन्ग टेल कीवर्ड, लव शायरी इन हिंदी फॉर गर्लफ्रेंड, तो हम इसको पूरा सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये हमारा क्या हुआ, एक लॉन्ग टेल कीवर्ड मिल गया, ठीक है, एक लॉन्ग टेल कीवर्ड। अब इसको मैं दोबारा से सर्च करता हूँ। अगर आपने ये वीडियो देखा है माय डियर फ्रेंड्स, तो आप बहुत ही अच्छे समझ में आ रहा होगा आपको लॉन्ग टेल कीवर्ड क्या होता है, कैसे रैंक होता है। यहाँ पर मैंने लाइव अपनी वेबसाइट को दिखाया, यहाँ पर मैंने अपने ब्लॉगर वेबसाइट को दिखाया कैसे ये रैंक हुई है लॉन्ग टेल कीवर्ड पे। तो आप इसे ज़रूर जाके देखें अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कुछ भी इस वीडियो में। तो यहाँ पर मैंने लव शायरी इन हिंदी फॉर गर्लफ्रेंड, और अभी आप देखेंगे जो इस पर सर्च वाले था शायरी पे 183,000 था, 66 का एसईओ डिफिकल्टी, और इंडियन करेंसी के 3 रुपये के हिसाब से। अब यहाँ पर जो मैंने कीवर्ड का आपको रिसर्च किया, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, और उसके बाद मैं जाता हूँ यहाँ पर, यहाँ पर मैंने पेस्ट किया और मैंने सर्च किया। अभी आप देखेंगे यहाँ पर हो सकता है डिफ़िकल्टी भी कम हो जाए, सर्च वॉल्यूम भी कम हो जाए, और हो सकता है कॉस्ट पर क्लिक शायद ज़्यादा कम हो, वो मुझे आई डोंट नो, बट आपका जो यहाँ पर एक्चुअल में डेटा मिल गया, ये लीजिए 27,000 का यहाँ पर सर्च वॉल्यूम है, एसईओ डिफ़िकल्टी हमारी 66 से आ गई 14 पे, यानी है ना 14 आ गई, तो यहाँ पर नहीं 14 आपका एसईओ डिफ़िकल्टी होगा, कॉस्ट पर क्लिक आपको ज़्यादा होगा, यहाँ पर 8 रुपये आपको मिलेगा एक क्लिक का, और आपका आपका ग्राफ देखेंगे कंटिन्यू ग्राफ आपका बना हुआ है ना। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर 27,000 का सर्च वाले में 8 रुपये का इसका सीपीसी है, और डिफ़िकल्टी क्या है 14 है। हालांकि कोई भी टूल 101% आपको एक्चुअल डेटा नहीं देता है, पर आपको हाँ पर आपको वो डेटा देता है जिस पर आप रैंक करा सकते हैं इजीली फर्स्ट पेज पे गूगल पे, इस बात का बिल्कुल। अब यहाँ पर क्या आ गया, अगर आपको लगता है कि आप इस कीवर्ड पर भी रैंक नहीं करा सकते, इस कीवर्ड पर भी रैंक नहीं करा सकते, तो आप क्या ले सकते हैं, सबसे लॉन्ग टेल कीवर्ड जो हमारा ये है हर टचिंग, यहाँ पर है हर टचिंग लव शायरी इन हिंदी फॉर गर्लफ्रेंड, ठीक है, ये है लॉन्ग टेल की, ये एकदम लॉन्ग टेल कीवर्ड है, इस पर आप 101% है कि आपकी वेबसाइट रैंक हो सकती है। अब मैं इसको सर्च वाले में आपको पता कर सकते हैं, एक बात का हमेशा ध्यान रखना है यहाँ पर, आप यहाँ पर सर्च वॉल्यूम जरूर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपने 00 वाला उठा लिया लॉन्ग टेल कीवर्ड, ऐसा नहीं है, सर्च वॉल्यूम होना चाहिए, डिफ़िकल्टी हमारा 0 हो जाए वो सही है, पर कॉस्ट पर क्लिक कुछ ना कुछ जरूर होना चाहिए, 1 रुपया भी हो पर होना जरूर चाहिए। अब यहाँ पर मैंने उस कीवर्ड को मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, हर टचिंग को यहाँ पर मैंने कॉपी किया, और मैं इसको पहले यहाँ पर गूगल पर सर्च कर देता हूँ, तो यहाँ पर गूगल पे सर्च हो रहा, उसके बाद मैं जाता हूँ यहाँ पर सेलेक्ट किया, यहाँ पर पेस्ट किया, और मैं आपको सर्च कर, आपको हमेशा ध्यान देना है यहाँ पर, अभी ये सर्च हो जाए फिर मैं आपको बताना। यहाँ पर सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर रीच लिमिट हो गया, हाँ ठीक है चलो, अरे नो थैंक्स। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि सर्च वॉल्यूम यहाँ पर जो है होना ही चाहिए, होना ही चाहिए, यहाँ पर 00 नहीं होना चाहिए। यहाँ पर है कॉस्ट पर क्लिक 10 रुपये हो गया, एक क्लिक का 10 रुपये हो गया, एसईओ डिफिकल्टी 6 हो गया, और 24K का सर्च वाले में 101% माय डियर फ्रेंड्स, मैं कहता हूँ मेरे कहने पे आप इस पे आप आर्टिकल लिखिए, मेरे कहने पे आर्टिकल लिखिए, अगर टॉप 10 में अगर आपको रैंक ना हो तो फिर आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मुझे ईमेल कर सकते हैं, अगर आपको जो मैंने कीवर्ड बताया अगर आपको इस पे रैंक नहीं होता है ना, हार्ट टचिंग लव शायरी इन हिंदी फॉर गर्लफ्रेंड, अगर आपकी पोस्ट टॉप 10 में रैंक नहीं होती इस कीवर्ड पे तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मैं आपको स्ट्रैटेजी बता दूंगा। कोई भी बंदा एक बार रैंक करा कर दिखा सकता है ना, कोई भी जितने भी मेरे व्यूअर इस वीडियो को देख रहे हैं कोई भी इन कीवर्ड पे काम करके अपनी वेबसाइट को रैंक करा सकता है। यहाँ पर आप देखेंगे blogspot.com की वेबसाइटें रैंक है। अब आप सोच सकते हैं कि जब blogspot.com वाली वेबसाइटें रैंक हो सकती हैं तो हमारी क्या डोमेन अथॉरिटी वाली वेबसाइटें रैंक नहीं हो सकती, तो आपको ये आइडिया हो जाना चाहिए है ना। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको लॉन्ग टेल कीवर्ड आपको हमेशा लेने हैं, लॉन्ग टेल कीवर्ड आपकी न्यू वेबसाइट के लिए हमेशा ही चाहिए।
ठीक है, तो ये रहा आज का वीडियो, और मुझे उम्मीद है आपको ये स्ट्रेटजी आपको समझ में आएगी और पसंद भी आया होगा। और फ्रेंड्स, आपको हमेशा ध्यान देना है, जब भी आप मेन कीवर्ड को टाइप करेंगे, जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल मैं और आपको दे रहा हूँ, जैसे लोग कहते हैं कि शायरी हो गया, जैसे यहाँ पर जोक हो गया, ठीक है, जोक्स हो गया, मैं आपको एक एग्जांपल और दे देता हूँ थोड़ा सा, ताकि आपको अगर किसी को डाउट हो तो वो क्लियर हो जाए। यहाँ पर ये अपना मेन कीवर्ड है, जोक्स वाली, आपकी जोक्स वाली वेबसाइट, ये मेन कीवर्ड है, ठीक। और उसके बाद जब ये सर्च वाली होने के बाद, जब तक यहाँ पर डेटा नहीं आता है तब तक आपको वेट करना है। अब यहाँ पर जो है लॉन्ग टेल की लिखना है 100 फनी जोक्स, उसके बाद आपको 100 फनी जोक्स को दोबारा से सर्च करना है। अब यहाँ पर देखेंगे 100 फनी जोक्स इन हिंदी, तो यहाँ पर आके आया और भी डेटा आ गया। अगर यहाँ पर मैं इस पेज मारूंगा तो ये डेटा आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे लॉन्ग टेल कीवर्ड आपको लेने हैं, सबसे लॉन्ग टेल। अब लोग कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो पता नहीं क्या सोचते हैं, अमर उजाला .com ये न्यूज वाली वेबसाइट है तो क्या हमारी वेबसाइट रैंक नहीं होगी? ऐसा बिल्कुल नहीं है ना, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपकी वेबसाइट रैंक नहीं होती। अमर उजाला वेबसाइट देखो, सबसे टॉप में क्या है, जोक्स है 11.com, ये न्यूज वाली वेबसाइट लोग कहते हैं कि रैंक, ये रैंक है तो हमारी वेबसाइट कैसे रैंक होगी? ये सब अपना SEO का फैक्टर होता है, इसे आप ध्यान में रखिए, ठीक। तो यहाँ पर आपको क्या लेना है, उसके बाद आपको जाना है 100 फनी जोक्स इन हिंदी संता मंता। आपको जब तक लॉन्ग टेल कीवर्ड मिल रहा है उसको आप बढ़ाते जाइए बढ़ाते जाइए। उसके बाद लास्ट में जाना है आपको, यहाँ पर आपको सर्च वाली में पता करना है आपको ऊबर सजेस्ट में। तो यहाँ पर मैंने एक और बढ़ा दिया है, उसके बाद मैं और अगला स्टेप बताता हूँ आपको। तो यहाँ पर आप देखेंगे, इसके इसके बाद है, यहाँ पर डेटा नहीं है ना, 100 फनी जोक्स इन हिंदी संता मंता, यहाँ पर देखेंगे उसके बाद डेटा ही नहीं आ रहा है, ठीक है। रिलेटेड कीवर्ड में यहाँ पर डेटा नहीं आ रहा है, रिलेटेड कीवर्ड पे यहाँ पर डेटा नहीं आ रहा, तो आपको क्या करना है, उसके बाद इसको पूरा कॉपी करना है। यहाँ पर मैं पूरा सेलेक्ट कर लेता हूँ, और सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर जाता हूँ और फिर यहाँ पर सर्च करता हूँ। यहाँ पर आपको तीन चीज़ें देखनी है, सर्च वॉल्यूम देखना है, डिफिकल्टी देखना है, और CPC देखना है। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर क्या है कि सर्च वॉल्यूम क्या है, यहाँ पर है ही नहीं है, तो आपको इस कीवर्ड पे काम नहीं करना है, ठीक, इस कीवर्ड पे आपको काम नहीं करना है, तो आपको दूसरा कोई कीवर्ड लेना पड़ेगा जिस पे आपको सर्च वाली हो। तो यहाँ पर अगर मैं संता बनता हटा देता हूँ, तो ये जो है ये लिमिट वो पूरा हो गया है, जिसकी वजह से ये माइनस माइनस दिखा रहा है किसी भी कीवर्ड पे। आप देखेंगे यहाँ पर अगर मैं फनी जोक से भी अगर सर्च कर रहा हूँ तो ये लिमिट क्या है, ये लिमिट ओवर हो गया है। तो आपको जो मैंने तरीका बताया है आपको वही करना है। आपको क्या जाना है, लॉन्ग टेल वाला जो कीवर्ड है ये, इसके बाद आपको जाना है यहाँ पर, आपको सर्च करना है, सर्च वॉल्यूम ज़रूर होना चाहिए और डिफिकल्टी आपकी 0 हो चाहे 1 हो 2 हो, CPC और सर्च वॉल्यूम ज़रूर होना चाहिए। उसके बाद आप उस कीवर्ड पे काम करेंगे तो 101% आपकी वेबसाइट रैंक होगी, और टॉप 10 की मैं बात कर रहा हूँ, ना कि दूसरे पेज की, पहले पेज पर 101% रैंक होगी। और इस वीडियो को आप ज़रूर जाके आप देखिएगा, अगर इस वीडियो को आपने पूरा कंप्लीट देखा तो इस वीडियो को जब तक नहीं देखें तब तक आपको समझ में नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर मैंने लाइव दिखाया है, अपनी वेबसाइट को दिखाया है कैसे मेरी ब्लॉगर वाली वेबसाइट लॉन्ग टेल कीवर्ड पर रैंक है ना। तो इस वीडियो को आप जरूर, इसको मैं आपको लिंक आपको आई बटन में दे दूंगा, और डिस्क्रिप्शन में मैं कार्ड में भी लगा दूंगा, एंड स्क्रीन के कार्ड में भी लगा दूंगा और आई बटन भी दे दूंगा। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड, वीडियो के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।